बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, साइंस पीरियड सी पेज नंबर 14 एक्सरसाइज हम देखें। ब्लैंक्स में फर्स्ट ब्लैंक है और में आएगा ऑर्गन, देन नर्व सेल, मल्टी सेलुलर टिश्यू, सेल वॉल, माइक्रोस्कोप। उसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट का है सी, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर ए एंड फिफ्थ डी। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पार्ट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो बच्चा इसमें माइक्रोस्कोप वाला पॉइंट सारा आ जाएगा जो हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, ऑल्सो ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम। ठीक है, तो प्लांट सेल के हम सारे ऑर्गन्स कर चुके हैं। इसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूलिया, सेंट्रियोल इसमें नहीं आएगा, और देन न्यूक्लियस। यहाँ तक आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन है आंसर लिखना है और साथ इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का अलहदा से भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये वाला पार्ट आपने पूरा कर लेना है। देन है राइट अबाउट द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। ठीक है, शूट सिस्टम में देखें तो ये सिर्फ शूट सिस्टम आएगा और साथ में आपने यहाँ से लेके ये अगले पेज तक जाता है, यहाँ तक ये शूट सिस्टम आएगा और उसके बाद बेटा साथ ही आपने ये डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, नीचे रूट सिस्टम है और ऊपर शूट सिस्टम है, आपने पूरी डायग्राम ऐसे शो कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ सेल, अ टिश्यू, एन ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें बाकी सारी डेफिनेशन हम कर चुके हैं, सिर्फ ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन रहती है। मैं आपको फिर से भी बता देती हूँ, सेल की डेफिनेशन हमने फर्स्ट पेज पे की थी, डिफाइन सेल विद एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद टिश्यू की डेफिनेशन हमने की थी, ये देखें ये टिश्यू, सॉरी ये टिश्यू की डेफिनेशन है और मैंने कहा था कोई सी भी दो प्लांट या एनिमल के टिश्यूज़ के नेम लिख देने हैं। उसके बाद है ये ऑर्गन की डेफिनेशन विद एग्जांपल, भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन विद एग्जांपल, ये भी हो चुकी है। ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन रहती है, ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, जब ये टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम सब कुछ बन जाता है तो जाहिर बात है एक पूरा जानदार बन जाता है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग थिंग्स का क्या है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किस चीज़ का कम्बिनेशन है बताया, ऑर्गन्स का, ऑर्गन सिस्टम का, जिन्होंने एक दूसरे से मिलके काम किया और पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया। ठीक है, इफ़ एनी ऑफ द बॉडी सिस्टम फेल्स टू वर्क प्रॉपरली अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई। अगर कोई भी सिस्टम ख़राब हो जाएगा, वो सही तरह से काम नहीं कर पाएगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कम्प्लीट हो चुकी है, ये या आपने याद भी करनी है, ये या आपने निशान भी क्वेश्चंस के लगा लेने हैं और बाकी ऊपर से ब्लैंक्स आपने याद भी करनी है।